सऊदी अरेबिया ने अमेरिका को तारीखी झटका दिया है। सऊदी अरेबिया ने ऐलान किया है कि वो चाइना के लिए हर वो काम करेगा जिसे चाइना को मजबूती मिले और चाइना के स्टांस को जो है वो प्रमोट करेंगे। अहम बात यह भी है कि अमेरिका के सदर बाइडन लगातार मिडल ईस्ट के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि वो चाइना और सऊदी अरेबिया के ब्लॉक से पीछे हटे। आज बहुत बड़ी अहम बैठक हुई है। बैठक के अंदर अरब मुल्कों के बहुत सारे, तकरीबन सारे ही अरब मुल्कों के जो सऊदी अरेबिया के अलाइज हैं, उन्होंने इस समिट के अंदर हिस्सा लिया। समिट के अंदर चाइना के जो स्टांस है, चाइना का जो आइडिया है, उसको प्रमोट किया और कहा कि वो अमेरिका के ब्लॉक में अब नहीं जाएंगे। ये चाइना की बहुत बड़ी जीत है। नाजरीन ग्रामी, 3 नवंबर के बाद अमेरिका के सदर बाइडन जो है वो चाइना के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आए। फिर 9 नवंबर को मिड टर्म इलेक्शंस हुए अमेरिका के अंदर। अमेरिका के सदर बाइडन ने अपनी कंपेन के अंदर ये कहा था कि वो जमाल खशोगी के मामले के लेकर सऊदी अरेबिया के प्रिंस को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि वो अपने आप को बेबस समझ रहे हैं। शहजादे मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ वो कुछ कर नहीं पा रहे। अमेरिकी सदर बाइडन ने ये जो तमाम तरह तीखे बयान दिए थे, ये 3 नवंबर को उन्होंने शुरू किए और 9 नवंबर के बाद तक ये जारी रखे। और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को ये भी कहा कि आपने अमेरिका को छोड़कर बहुत गलत किया, रशिया की जंग को जो है आप सपोर्ट कर रहे हैं, यानी रूस को सपोर्ट करने में जो है वो सऊदी अरेबिया का बहुत बड़ा हाथ है। कभी ऐसा हुआ करता था कि जिस तरीके से अमेरिका चलता था वैसे ही सऊदी अरेबिया और अरब मुल्कों के लोग चलते थे, गवर्नमेंटें चलती थी। आज चाइना ने अपनी एंट्री देके अमेरिका को एक बहुत बड़ा डेथ ब्लो दिया है, लेकिन हालात इस नहज पर कैसे पहुंचे उसको देखने की बात है। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। खबर यह है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बाइडन सरकार से खफा है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को मनाने के लिए जुलाई के महीने में अमेरिकी सदर बाइडन ने एक दौरा भी किया, लेकिन उस दौरे के अंदर अमेरिका के सदर को कोई खातर खा कुछ हासिल नहीं हुआ। और अगर हम जी जिनपिंग की बात करें तो चाइना को सऊदी अरेबिया ने बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल दिया। नाजरीन ग्रामी, सऊदी अरेबिया को एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो उसके दुख और दर्द का साथी हो, जो उसके हर बुरे वक्त के जो है हवाले से साथ खड़ा रहे। तो सऊदी अरेबिया ने अब यह मालूम किया है कि चाइना से बड़ा कोई पार्टनर नहीं हो सकता। खबर यह भी है कि अमेरिका के सदर बाइडन की वजह से ही सऊदी अरेबिया और अमेरिका के हालात खराब हुए और जमाल खशोगी की कंपेन को लेकर बहुत ज्यादा जो है वो अमेरिकी सदर बाइडन ने फोकस किया था अपनी इलेक्शन कंपेन के अंदर और मिड टर्म इलेक्शन के अंदर भी ये बातें करते हुए नजर आ रहे कि जमाल खशोगी के मामले को लेकर मैं बेबस हूं, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को अकाउंटेबल करना चाहता हूं लिहाजा मैं बेबस हूं। इस तरह के बयानात निकलकर सामने आए जिसने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को अफेंड किया। और आपको ये बता दें कि अमेरिका जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर अब बिल्कुल साफ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने अरब मुल्कों को इकट्ठा करके चाइना के पलड़े में डाल दिया। अब चाइना के लिए यह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि चाइना सऊदी अरेबिया को हथियार भी बेचेगा, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट, टूरिज्म की इंडस्ट्री, कच्चे तेल का खरीदार भी दुनिया का सबसे बड़ा है। अब अरब मुल्कों के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और सऊदी अरेबिया के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि वो चाइना के साथ मिलकर अपने रिश्तों को मजीद जो है मजबूत करें।